हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोएब राजीव 706। आज हम आपको बताने वाले हैं ये जो फर्स्ट सेलिंग का लाइट होता है इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। और आज जो हमको करना है ये हमको स्विच से लाइन बाय लाइन करना है, जैसे कि मतलब एक स्विच से ये दो लाइट जले, फिर दूसरा स्विच से ये लाइट जले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने एक साइड का पूरा कर दिया है और यह साइड का करना बाकी है, तो वीडियो में बने रहिए, बताते हैं आपको। सबसे पहले ये देखिए, जितने भी हमारे न्यूट्रल्स वायर है सबको हमने एक में जोड़ के इसका अंडर डाल दिया है। उसी तरह अर्थिंग को भी हमने वैसे ही किया है। और ये जो हमारा है, ये है हमारा मेन फेस, यहाँ से हमने फेस को सब एक दूसरे से कनेक्शन कर दिया है। और ये रहा हमारा लाइट का पॉइंट, इसे हम एक एक चेकिंग कर रहे हैं। ये देखिए, इसे एक एक चेकिंग हो रहा है और जैसा होता है वैसे ये लाइन बाय लाइन कनेक्शन होता जा रहा है। सबसे पहले आप बस जो नीचे का है उसमें पावर सप्लाई देंगे और जो ऊपर का है उसमें लाइट के एक पॉइंट ला कर दे देंगे। इसको अच्छे से टाइट कर लीजिए। और यह काम करने के लिए थोड़ा रिस्क उठाना पड़ा है, क्योंकि ये जो काम है ये हम लोग चलती लाइन में काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसा मौका मिले तो आप लोग अगर नए होंगे तो लाइन को बंद करके काम कीजिएगा, ऐसा मारेगा कॉल पे। और गाइज, ये जो लाइटिंग का वायर है वो हम लोगों ने 1 mm लिया है और न्यूट्रल भी 1 mm है, अर्थिंग भी 1 mm है। और जो हमारा मेन लाइन है, ये देख सकते हैं, ये जो मेन लाइन है ये हमारा 2.5 का। इससे क्या होता है कि हमारा लोड अच्छे से हो पाता है और कभी शॉर्ट सर्किट या ओवर लोड नहीं होता है। और ये भी जितने भी सारे स्विच कनेक्शन ये आप देख सकते हैं सब लाइन से किए गए हैं, यानी कि जो पहला लाइट है उसको पहले डाला गया है, जो उसके बाद में उसको बाद से डाला गया है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो स्विच बोर्ड का कनेक्शन है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया है। आइए एक बार इसको हम आपको फिर से समझा देते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा लाइट पॉइंट है ये टोटल है 11 लाइट पॉइंट है और सबका वायर हमारे इस स्विच बोर्ड में आया हुआ है। अब स्विच बोर्ड का जो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले ये जो आप देख सकते हैं जो कॉपर का ओपन वायर है सबको स्विच का निचले हिस्से में डाल देंगे। उसके बाद ये जो हमारा मेन लाइन है ये देख सकते हैं यहाँ पर डाल देंगे मेन लाइन। उसके बाद जितने भी हमारे लाइट का पॉइंट उसको हम एक एक करके सब में डाल देंगे। इसके बाद हमारा पूरा स्विच बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम इसको यहाँ पर आराम से फिक्स कर देंगे, इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। देख सकते हैं कि ये हमारा जो स्विच बॉक्स है ये हमारा पूरे अच्छे तरीके से सेट हो गया है। ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए, ये हमने 12 मॉड्यूलर का स्विच बॉक्स लगाया है और लास्ट में ये एक हमारा ब्लैंकर है। तो आपको एक वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।